ये परछाइयां यादों का है समां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना, एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। इस नए सीज़न में बहुत सारी चेंजेस भी किए हैं हमने आपके लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सेट में फ्यू चेंजेस हैं। द मेन कॉन्सेप्ट इज़ द सेम, मगर हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं इसमें। और इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, मैं अपनी को होस्ट को बुलाना चाहूँगा। सो लेट्स इन्वाइट द गॉर्जियस, द स्टनिंग शर्मीन अली। Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Welcome to season 2. Thank you. Please have a seat. जी आसिम, तो सीजन 2 हाँ। अच्छा शर्मीन, आपको कैसा लग रहा है कि सीजन 2 में आप मेरे साथ हैं? तो यूजुअली जब हम इस तरह का प्लान करते हैं प्रोग्राम को, तो सीजन के साथ होस्टेस भी चेंज होते हैं। जी, तो आपको कैसा लग रहा है कि यू आर स्टिल हियर? I feel truly honored, honestly, Asim, क्योंकि PTV पे एक हमारा जो नेशनल टेलीविजन है उस पर शो होस्ट करना आपके साथ, it's an honor for anyone. और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान टेलीविजन का, और जो हमारी टीम है यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट, और हमारे म्यूजिशियंस जो हमारे शो को इतना अच्छा उसको बनाते हैं, सॉन्ग्स हम हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो गाते हैं। और उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर अमजद हुसैन शाह साहब का, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, और टीम जब साथ लेकर चलते हैं तो फिर प्रोग्राम के डिफरेंट सीजन्स चलते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि आई वुड आल्सो लाइक टू यू नो शेड सम लाइट अपॉन व्हाट एन अमेजिंग आवर फर्स्ट सीजन वाज, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। यू नो मैं अपनी ऑडियंस का शुक्र अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इतने शौक से हमारा शो देखा, इतना पसंद किया, और इतनी अमेजिंग फीडबैक हमें, फैबुलस फीडबैक। देयर वर 20 एपिसोड्स ऑफ सीजन 1, सब आपने देखे कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हम लोगों ने गेस्ट को बुलाया, आपको एंटरटेन किया। और जो हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं जो थोड़े बहुत रह गए थे, वो इंशाल्लाह हम अपने सीजन में बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल। और आप हमें फीडबैक दीजिएगा इस सीजन का भी, आप किन सितारों को देखना चाहते हैं, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। जी आसिम, और जैसे कि आपने कहा सीजन 2 है, तो थोड़े से सेट में चेंजेस आए, थोड़े से हमारे सेगमेंट्स में चेंजेस आए, एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ऑफ कोर्स, और आज हमारा चूंकि पहला शो है नए सीजन का, स्टार एंड स्टाइल सीजन 2, तो हमारे गेस्ट भी बहुत बड़े स्टार्स एंड वेरी इंटरटेनिंग गेस्ट होंगे एंड वेरी स्टाइलिश, ऑफ कोर्स। और शर्मीन, यहां मैं कहना चाहता हूं कि सम आर्टिस्ट आर टैलेंटेड एंड सम आर मल्टी टैलेंटेड, और जो आज हमारे गेस्ट हैं दे बोथ आर मल्टी टैलेंटेड, उसमें एक्टर्स भी हैं, होस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, और अब प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है उन्होंने। As you said, multi-talented. Of course. से पहले कि हम अपने पहले गेस्ट को बुलाएं, उनको आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। He started his career from Pakistan television, movies, उन्होंने 19 films में काम किया, अब उन्होंने productions भी शुरू कर दिए हैं, उसके अलावा आजकल हर channel के हर play में वो leading character अदा कर रहे हैं। और जो अभी रिसेंटली उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है ना, उसके बाद ऑब्वियसली ऑडियंस भी क्रेजी हुई होगी, लेकिन मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हैव गॉन क्रेजी ओवर हिज परफॉर्मेंस। तो मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आई आज कि उनके शाउट आउट्स मैंने रिकॉर्ड करवा कर लेके जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द आइकॉनिक सुपरस्टार फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। Looking dashing as ever, Faisal. Oh, thank you so much. आप पता है एक चीज कहना भूल गए, फिल्म स्टार आपने कहा, आपने हार्ट थ्रॉब कहना भूल गए। हार्ट थ्रॉब तो मैंने सबसे पहले कहा था, अभी भी रही थी। जी अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम फैसल टू आवर शो, हमारा न्यू सीजन एंड न्यू स्टार एंड न्यू गेस्ट, सबसे पहले एंड सच अ स्टाइलिश गेस्ट, और इतने स्लिम, मेकिंग अस जेलस। नहीं, जेलस होने वाली क्या बात है। हाँ. नहीं नहीं, इंस्पायरिंग अस, आई वुड से इंस्पिरेशनल। यस जी, कैसे किया फैसल? मुंह पे ताला, और कोई हल नहीं। यही तरीका है ना वेट लूज करने का, हम सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं कम कर सकते। सो फूड इज 70% फॉर अस, एब्सोल्युटली, ये सबसे बड़ा मसला है। बट आंट यू अ फूडी? आई एम, मुझे तो खाना पीना बहुत पसंद है। तो मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है अपना खाना पीना रोकना, आई बिकम सो मिजरेबल। हां ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से बहुत अरसे से
ये सिलसिला मेरा चल रहा है तो अब आदत हो गई है बहुत सारी, सो मैनेज कर लेता हूं। हम देख रहे होते हैं ना, क्योंकि ये इतने डिटेलिंग में अपने कैरेक्टर्स में जाते हैं, कभी इनका वजन बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, यू नो करना पड़ता है, क्या करें। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए वाकई वजन बढ़ाना पड़ता है, जैसे अभी जो मैं शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से, उसमें मुझे कम से कम अभी 4-5 किलो और कम करना है। अच्छा, कम करना है, गायब हो जाएंगे फिर सर? नहीं, 4-5 किलो और गुंजाइश नजर नहीं आ रही शूट में। लेकिन आई मस्ट से जो आपका भी जो प्रोजेक्ट खत्म भी हुआ है, ड्रामा जो ऑन एयर था, what a character and what a fabulous performance, yeah. I must say Faisal, fabulous, you've done an amazing job. Lekin na nomination aayegi na award milega, वो तो एक कैंप आपको पता है, वो किनको मिलते हैं और उन्हीं को मिलते हैं जो ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं, वही गेस्ट होते हैं, वही रिसिपिएंट्स होते हैं, उन्हीं को अवार्ड मिलते हैं। डज इट मेक अ डिफरेंस एनीमोर टू यू? थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है, रिकॉग्नाइजेशन जब आपको मिलती है ऑब्वियसली, जब लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं और उस पे जब आपको अवार्ड भी मिल जाता है तो वो चीज बड़ी मुस्तनद हो जाती है। हमारे लिए obviously पब्लिक के लिए तो होती है, लेकिन हमारे लिए भी बड़ी मुस्तनद हो जाती है। But don't you think true recognition तो आपके फैन से आपको मिलती है? लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है फैंस सभी को सब कुछ लिख रहे होते हैं, किसी को भी एक्टिंग का कुछ लिख देते हैं, किसी को कुछ लिख देते हैं, ट्रोलिंग हो रही होती है, अप्रिसिएशन फैंस ने खराब किए हैं क्योंकि वो डायरेक्ट इतना हो गए तो वो आधे में चौड़े में फिर रहा होता है, बेशक उस बेचारे को तस्वीर ना उतरानी। हाँ, पर फैसल बात यह है कि आजकल जो क्राइटेरिया है वो इस पर डिपेंडेंट हो गया कि आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं और आप कितने एक्टिव हैं। नहीं, लेकिन आसिम देखो, उनको पसंद करते हैं तो उनके फॉलोअर्स हैं ना यार, ये वाली अगर ऑर्गेनिक हो तो, अगर ऑर्गेनिक हो तो यस, सो अगर ऑर्गेनिक हैं और बाकी वो उसको पसंद कर रहे हैं तो उसके फॉलोअर्स होंगे, वरना तो नहीं होंगे। और ऑब्वियसली ऐसे एक्टर्स के अगर आप ड्रामों पे यूट्यूब पे भी जाके देखते हैं तो उनकी आपको फॉलोइंग मिलती है, लाइक्स मिलती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, व्यूज मिल रहे होते हैं, मिलियन व्यूज। लेकिन आपका सोशल मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज वी नो दैट सोशल मीडिया हैज द पावर टू मेक यू और ब्रेक यू। ट्विटर पे मैं बिल्कुल नहीं जाता, बिकॉज वहाँ पे जिस तरह की कैंपेन शुरू हुई हुई है वो एक अलग गेम होता है। एक कोई भी आप चीज लिख दें उस पे एक कैंप अगेंस्ट बना हुआ है, एक फेवर में बना हुआ है, सो वो सारे उस पे शुरू हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है, कंट्रोवर्शियल खामखा किसी बात को भी कर दिया जाता है। इंस्टाग्राम आई थिंक इट्स उसका फायदा ये है कि चलो जो हम कर रहे होते हैं या जो लोगों को पता चल जा रहे होते हैं, फिर इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है, अगर आपका प्ले चला है तो उस पर रिस्पॉन्स आ गया। सेम गोज विद फेसबुक, थोड़ा लोग कहते हैं कम हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, अभी भी पाकिस्तान में लोग फेसबुक बहुत ज़्यादा, मगर इंस्टाग्राम फोरम टू कनेक्ट विद योर फैंस एंड योर फॉलोअर्स, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपको डायरेक्टली पता चलता है, लोग आपको कहते हैं कि अच्छा नहीं फैसल भाई, अब दाढ़ी रख लें, मूछे रख लें, अब बाल बड़े कर लें, डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा होता है। सो ये भी है, प्ले खत्म होते ही आपको रिस्पांस आना शुरू हो जाता है, ड्यूरिंग में भी चल रहा होता है, लेकिन एक-एक एपिसोड पे रिमार्क्स आ रहे होते हैं कि इस एपिसोड पे ये परफॉर्मेंस, ये सीन, ये आउटस्टैंडिंग, सब कुछ। तो क्रिटिक्स भी बैठ गए हैं, फिर वो सारा क्रिटिक्स बन भी जाते हैं, जो घरों पे बैठे हुए हैं उनको आपका काम पसंद है, खुद उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। आपका काम बोलता है आपके बारे में, बेशक कोई गलत बोलता रहे या कुछ भी कुछ कहता रहे, उल्टा अब लोग जाके उनको सुनाना शुरू कर देते हैं कि डोंट यू थिंक अनजस्टिफाइड बैशिंग जो है कैन एक्चुअली अफेक्ट यू? जहाज उड़ाने के लिए आपको अगेंस्ट विंड चाहिए होती है। नहीं, वेरी वेल सेड। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने कोई फील्ड छोड़ी है, एक्टिंग, फिल्म, होस्टिंग, ड्रामा, प्रोडक्शंस और अभी 50 करोड़? हाँ, गाना भी गा दिया सिंगिंग एंड व्हाट अ फैबुलस सॉन्ग, क्या अमेजिंग इनकी केमिस्ट्री थी। तो इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, जी चलाए जी आसिम, हमारे जो आज की नेक्स्ट गेस्ट हैं, आई फील हर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल एंड आई वुड लाइक टू ऐड अ फिटनेस एंथुजियास्ट। Yes, आज तो दोनों ही फिटनेस एंथुजियास्ट हैं। जी, तो हमारे ऑडियंस को बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं फिटनेस पे, आई एम श्योर। एंड शी इज मल्टी टैलेंटेड आल्सो, एज आई सेड, और बहुत ही थोड़े टाइम में उन्होंने अपना नाम, बहुत बड़ा नाम बनाया। सो लेट्स इनवाइट द गॉर्जियस, द स्टनिंग फरियाल महमूद। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं फरियाद? कैसे हैं? हाँ, हाउ आर यू फरियाद? आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू, सो आर यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। बहुत अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे, बट यू नो दिस इज आवर सीजन 2 ऑफ स्टार एंड स्टाइल, और मैं चाह रहा था कि दो बड़े स्टार्स आए ताकि इट्स अ प्रीमियर एपिसोड, तो बहुत मजा आना था। आ गई ना बड़ी। इतनी लेट क्यों आई तुम? गाड़ी तो टाइम पे पहुंच गई थी। I हमने पूरा सेगमेंट फैसल के साथ किया है और तुम नहीं आई। फैसल हैज वर्क्ड सो मच विद मी, इनसे पूछा मैं कभी लेट होती हूँ? सॉन्ग जो आप लोगों ने अभी एक साथ गाया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हाउ डिड दैट कम अबाउट? एक्चुअली मैं फैसल से ये पूछ रही थी, क्या आपने पर्सनली एक दूसरे को चूज किया, और वर यू गाइस पिक्ड रैंडमली? We were actually picked randomly. Okay. नहीं हाँ, we serious, were seriously हम randomly मतलब इतने अच्छे friends तो हाँ, I never say oh नहीं I want to do it with Faisal, or Faisal never says I want to do it with Faryal. अब तो आजकल तो joke भी चल रहा है ना, हाँ आजकल joke चल रहा है, it's what there's a meme that says जब फैसल कुरैशी को कोई नहीं मिलता तो फरियाद बाजी को फौरन ले लेते हैं। अच्छा, missed out on this one. Actually, लेकिन मैं भाग गया था तीन दिन पहले. Then Faryal called me and said ke nahi you have to sing this song. I was like, what were your reservations? The thing is, जब गाना आया तो बड़ा उस तरह समझ नहीं आया हमें. Okay. और मुझे बहुत ज़्यादा सबने pump किया, गाओ. My mother sings. So I was like, अच्छा ठीक है, मैंने गा दिया जाके. It actually sounded good. And then I called Faisal. I was like, एक दफ़ा सुने, मेरी आवाज़ में सुने, आपको पसंद आएगा, देखिएगा, ज़रूर पसंद आएगा. फ़ौरन फ़ोन आया, हाँ यार मैं हाँ. यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि फरियाल की मदर रूहानी बानो, बहुत बड़ा नाम कराची में, उन्होंने पीटीवी में काम किया, थिएटर में काम किया, शी इज़ अ ग्रेट सिंगर, उसके बाद एक्टिंग भी की. तो ये जो इतनी टैलेंटेड बन के बैठी हुई है आज, जिसकी जीन्स में है, आधी भी नहीं हूँ, जितनी वो है मैं आधी भी नहीं हूँ. फरियाल, हैव यू बीन ट्रेन्ड बाय योर मदर? रैंडमली, आई मीन मतलब ऐसे बैठा के लेसंस नहीं दिए कभी? नहीं, आई हैव जस्ट वॉच्ड हर. आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ टीवी एंड आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ माय मदर. अच्छा, व्हाट अबाउट यू फैसल? प्रोफेशनली सिंगिंग क्लासेस लेकर सीखा है? सिंगिंग कहां से, सिंगिंग नहीं है. बट यू सिंग वेल, यू सिंग वेल. भाई आज जो हमारे गेस्ट हैं, इन दोनों की जीन्स में इतना टैलेंट है कि फैसल की वालदा पीटीवी फैसले कॉर्ड रैप पहन के जीन्स में इतना टैलेंट है कि इनकी वालदा, इनकी कजन्स, मतलब पूरी फैमिली जो है वो कुछ पता नहीं हमारे बड़ों को क्या हुआ कि उनकी वजह से हम बहुत सारे हो गए इंडस्ट्री में. बिल्कुल. अच्छी तो कैसा लगता है कि लोगों को आप देख रहे होते हैं? कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता. अच्छा. कोई ये नहीं करता कि नहीं मुझे इसके साथ काम करना है, या मेरे लिए वो काम करे, या कैमरे पे ये होगा, ये डायरेक्शन में लाइक उस तरह पुश नहीं करना, पुश नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, बिल्कुल बिल्कुल कोई कुछ नहीं करता, सब अपने अपने सर पे काम. बट आई पर्सनली फील कि अगर आपके कजन्स में, फ्रेंड्स में अगर टैलेंट है, उसको प्रमोट करने में कोई बुराई नहीं. जिसमें टैलेंट है वो खुद नजर आता है, खुद नजर आ जाता है. दैट्स व्हाट ही आई हैव नोन हिम फॉर अबाउट सिंस आई मूव्ड हियर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अबाउट 7 इयर्स नाउ. एंड जब आप काफी हेल्दी हुआ करती थी, जब मैं बहुत मोटी होती थी, बहुत मोटी होती थी, वी विल कम बैक टू दैट आल्सो. ही वाज द वन हु मेड मी लूज वेट, रियली, हु केप्ट टेलिंग मी, हु बिलीव्ड इन मी एंड केप्ट टेलिंग मी यू आर एन अमेजिंग एक्ट्रेस, जस्ट लूज द वेट. ही टुक मी टू द जिम. And he was like, this is a trainer, this is a treadmill, that's the weight, go, work out. Wow. Oh, wow. So he's like... And what an amazing transformation. Yes, wonderful. Good job. But it's the same thing, if someone doesn't want to do it, then they don't do it. They don't do it. They don't do it. सही बात है. ये अपनी डेडिकेशन भी होती है. बिल्कुल. अच्छा, एक और बात, सिंगिंग के साथ साथ आप लोग एक और भी इंटरेस्ट शेयर करते हैं, डांसिंग का. हाँ, अब बात करें. यू गो डांस वेरी वेल. हाँ. तो क्या प्रोफेशनली डांसिंग क्लासेस लिए किसी ने? डांसिंग क्लासेस इन कॉलेज, contemporary dancing, hip hop dancing. Oh, really? And like different, I even went to a temple in America, जहाँ कथक वगैरह सिखाया जाता था.
तो वो प्राइमरी जो वो प्राइमल सी ट्रेनिंग होती है वो है, लेकिन आई नेवर कंसिस्टेंटली कैरीड ऑन विद वन जॉनरा ऑफ डांस, बट आई लव डांसिंग। तो बचपन से मैं भी सिर्फ नाच ही रहा था, और जब फिल्म साइन की तो उससे पहले चूंकि वो फिल्म के डायरेक्टर अशरफ शिराजी साहब थे, वो इज द कोरियोग्राफर, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, तो वो उठा के मुझे अपनी अकेडमी ले गए और 6 महीने तक उन्होंने मुझे क्लासिकल में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी। सो वो एक एक बेस बन जाती है आपको, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो हम एक चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं, डांसर्स को देखते हुए भी और डांस करते हुए भी, जब हम ऑफ बीट बीच में छोड़ के जब नाचते हैं तो हम उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। उसके लिए बेसिक्स की बड़ी जरूरत है। ऑन दैट नोट वी शुड टेक आवर ब्रेक जी। तो इन कॉन्वर्सेशन विद द सुपरस्टार फैसल कुरैशी एंड द स्टनिंग फरियाल महमूद, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। डू वी गो टीम बाय टीम और वी गो लाइक वन बाय वन? वन बाय वन। ओह नो, आई लुक एट दिस। फिल्म थी पना, मैं और साहिबा जी, अच्छी फिल्म थी। मैंने 19 फिल्में की। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो आसिम, न्यू सीजन, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड गाने जाने अनजाने। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। हम कुछ पुरानी फिल्मों के, नई मूवीज के गानों के क्लिप आपको दिखाएंगे उर्दू फिल्में, और उसको हम फिर दरमियान में म्यूट कर देंगे, तो आपसे हम लिरिक्स पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डू वी गो टीम बाय टीम और वी गो लाइक वन बाय वन? वन बाय वन। ओह नो, आई लुक एट दिस, लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑन हिज फेस, वो एक्सप्रेशन देखें, आप मैच ही नहीं कर सकते आप, है ना? या पता नहीं कहीं कोने कदरे से निकालनी हो कुछ तो वो मुझे भी नहीं आता, सब आता है। लिरिक्स का थोड़ा इशू रहता है, मैं गाना बता सकता हूं। हां चले, वोकल से अंदाजा हो जाता है हां गाना okay. आता है। ओके ओके, चलें जी नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। फिल्म थी पना, मैं और साहिबा जी, अच्छी फिल्म थी। मैंने 19 फिल्में की। 19 मूवीज। इफ यू हैड टू चूज वन फैसल, फिल्म्स और ड्रामास? फिल्म्स। अच्छा जी, अब एक क्लिप है, हाँ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बारे में फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो ऑन एयर चला जाएगा क्लिप? हाँ हाँ, चला जाएगा जी, दिखाइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फैसल, कि मेरी वजह से तुम्हारे दोस्तों को बहुत तकलीफ पहुंची। इसमें मैं भी बराबर का शरीक हूँ, हमें वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या ख्याल है, वक्ती तौर पर कॉम्प्रोमाइज ना कर ले? यस, बट नॉट फॉरएवर, वक्ती तौर पर हो सकता है। हाँ जी, आप बताइए कि इस, ये जब फिल्म की थी आपकी एज क्या थी? 19, 20? नहीं, 17 एंड हाफ। हाँ, लग रहा है। हाँ, बहुत छोटे, टीनेजर। ओह माय गॉड, मेरा वैसे भी कोई तीसरा या चौथा सीन था फिल्म का। अच्छा, याद है। और तो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने? मजे की बात यह है कि डायरेक्टर जब मुझे कह रहे थे कि जी रोमांटिक होना, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हो। एंड वी कैन सी द बेबी फैट ऑन हिज फेस। या या, यू कैन कंप्लीटली एंड द लिटिल मस्टैश, नॉट फुली ग्रोन मस्टैश। मूवी कौन सी थी ये? सजा। सजा, और नरगिस आपके साथ? नरगिस मेरे साथ। ओके, चले जी नेक्स्ट क्लिप। बहुत तंग आ गए, अल्लाह तुम पे रहम करे। क्या हुआ जहना? That
kid was you? Yes. Are you serious? Oh my I was exactly God. 10 years old. This is amazing. But the confidence, even back then, at the age of 10, you were made for this, right? मैं ये देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है आयत है. ये ड्रामे के क्लिप्स मुझे अभी लोग भेजते हैं अक्सर, कभी पीटीवी पे ऑन एयर होता है तो मैं आयत को दिखा रहा होता हूँ. मैं कहता हूँ ये ऐसा नहीं लगता, कहती हाँ बाबा इट्स एग्जैक्टली लाइक मी. और यार फिल्म्स का क्या प्लान है? फिल्म्स का बिल्कुल प्लान है, और देयर आर फ्यू थिंग्स इन द मेकिंग इन द लाइन एंड देयर इंशाल्लाह गोना कम आउट सून, सो विश मी वेल. इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट. बट लेट्स क्लैप फॉर द सेगमेंट. बहुत अच्छे इन्होंने की डाउन मेमोरी लेन, हम आपको ले गए कहां-कहां फ्रॉम 10 टू 17. Must be good memories. हाँ हाँ, obviously मैंने ही काम किया, मैं क्यों शर्मिंदा हूँ. उस जमाने का काम का तरीका और अब का काम का तरीका बहुत चेंज हो गया. हाँ ये तो है, यही हमारे तो खैर हमने पीटीवी से स्टार्ट लिया. बचपना सारा बड़ा मजे का गुजरा है पीटीवी के स्टूडियोज में. But you think it's become easier for actors now? मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान था, बिकॉज चार कैमरे लगे हुए हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, हो गया. कई दफ़ा ये होता है कि हमने अभी एक सीरियल किया था गुस्ताख साथ में, सो उसमें हमने डायरेक्टर को कह के हमने टू कैमरा प्रोडक्शन करवाई थी. तो हम जब वो सीन कर रहे थे क्लाइमेक्स वाला, तो हमने स्क्रिप्ट पढ़ा फिर पूरा ड्रामा, चूंकि अल्लाह का शुक्र है इसने भी पढ़ा हुआ था, मैंने भी पढ़ा हुआ था, तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स. और हमें पता था कि हमने इसको किस नोट पे ख़त्म करना है, तो स्क्रिप्ट गया ऐसे साइड पे और उसके बाद कैमरे हुए हैं रोल. अच्छा, जो लाइनें थी वो थी या नहीं थी, जो मैंने बोला एक तो सीन मैंने खुद ही, वो जो कट गया वो इतना प्यारा सीन था. कौन सा कट गया? जो मैंने आपको सरप्राइज किया था, पीछे आके सर रखा था और आप पियानो पे खड़े हुए थे. जो मेक्सिको का टूर था मैं फॉलो कर रहा था, और ये इंस्टा स्टोरीज पे रोज लगा रही, कभी बीच पे है, कभी खाने खा रही है, कभी कहाँ जा रही है. बीच वाली मैंने मिस कर. आई एम श्योर शी कैन सेंड यू अ फ्यू वीडियोस. कंसीडरिंग कोविड है तो वहाँ पे क्या मतलब आजकल कैसे? मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह गई. पहले मैं डैलस गई, वहाँ कोविड के मतलब इफ़ यू गो आउट टू ईट यू कैन डाइन इन एंड ईट देयर विद मास्क ऑन, देन यू कैन टेक ऑफ द मास्क एट द टेबल. बट इन एल ए टेक आउट उस वक्त सिर्फ टेक आउट था, डाइन इन नहीं था. एंड इन मेक्सिको, मेक्सिको सिटी बंद की हुई थी उन्होंने, लेकिन टुलूम में नो वन वाज वेयरिंग अ मास्क. अच्छा, नो वन वोर अ मास्क, एवरीवन वाज जस्ट रिलैक्स्ड बिकॉज एवरीवन वाज सो जस्ट आई गेस टायर्ड ऑफ staying at home and doing their thing that I guess sabko jinko covid ho chuka hai wo bahar aa gaye the ki bas you know and lekin wo jo hotels the resorts the aur restaurants the unhone masks apne ab hum log cope up kar gaye hain वैसे ab hame samajh aa gaya shuru mein panic hue hue the thode chale ji hamara next segment hai it's about social media khushi ka hai ye pal saji hai kehkashan What we have done is we have selected few pictures from the social media आप दोनों के प्रोफाइल पे, और वो हम आपको दिखाएंगे तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे. जी जी, इस तस्वीर के बाद क्या पूछना चाहते हैं? यही तो पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ तस्वीर ली गई ये, और इसके बाद क्या हुआ? हाँ, और इसके बाद क्या हुआ, और इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले हमने केक काटे थे, बिकॉज ये 26 अक्टूबर की रात और 27 अक्टूबर की सुबह मेरी बर्थडे खत्म हो रही थी और सलमान इकबाल की बर्थडे शुरू हो रही थी. सो ये वहाँ की तस्वीर है, सोनिया भाभी ने हमें सरप्राइज किया था. जी नेक्स्ट पिक्चर प्लीज. ऐसे ही शूट करवा दिया था. अच्छा, वेलकम विंटर्स के लिए. अच्छा अच्छा, हाँ. तो ये एक जैकेट पड़ा हुआ था मैंने कहा पहन. पीपल हु डोंट नो फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी लव्स शॉपिंग, ही लव्स टू ड्रेस अप एंड लाइक वेयर ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथिंग, शूज, और जितना मेरा वार्डरोब होगा आई एम श्योर, मतलब और मेरा वार्डरोब बहुत अच्छा खासा है उनसे, उससे कोई डबल ट्रिपल इनका होगा. सब पहनते हैं यार. ऑफ कोर्स. अच्छा, नेक्स्ट क्लिप. ओह माय
माय गॉड ये आपने वॉलीबॉल क्यों बनाया हुआ अरे इसके साथ तो पता नहीं क्या कुछ होता है फरमान के साथ यू हैव नो आईडिया एडोरेबल है माशाल्लाह इसको तो रगड़ता हूँ मैं अल्लाह वो चुचू पुचू पर बना के लगा है इसको रफ एंड टफ अच्छा जी नेक्स्ट क्लिप्स हैं अब फरियाल के इन जूतों की वजह से मेरे जूते नहीं लाए हैं अल्लाह सीरियसली मुझे टेक्स्ट किया जो पहने हुए जो पकड़े हुए लेट गो पैसे ने मुझे टेक्स्ट किया यार वो मेरे जूते हैं और कुछ वो और डेलिस में ही हेडफोन्स हैं और पलाज धमकाना मैंने कहा पैसे मैंने दो डॉक मार्टिन्स लिए हैं मैंने अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है मैं एक्स्ट्रा सूटकेस लेके आऊंगी मैं बिल्कुल भी नहीं ला सकती यार तुमने तो दिल ही तोड़ दिया व्हेन आई कम बैक फ्रॉम वेकेशन मैं हमेशा दो तीन एक्स्ट्रा सूटकेसेस के साथ आती हूं अच्छा आई एम अ शॉपाहोलिक आई लव शॉपिंग और ये डैलस की पिक्चर है दिस इज डैलस यस ओके The next picture. This was that commercial we did together, the Raaz commercial. और ये सब को सुबह के चार बजे ना लीव हो चुका था. हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है. Very interesting. Yeah, they gave me tattoos and very interesting look. मुझे शर्म आ जाती है. Cute. No, flirtatious. We'll take a short break, break ke baad wapas aa rahe hain. Khushi ka hai ye pal, saji hai kehkashan. नहीं जल्दी जल्दी करने से जल्दी जल्दी टाइम तो नहीं खत्म होगा रहा टाइम तो उतना ही चाहिए कोई बात नहीं हम इन पे कमर्शियल्स चला देंगे खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड यू आर वाचिंग स्टार इन स्टाइल सीजन 2 एंड विद आवर बिग स्टार्स ऑन आवर काउचेस हमें जितना ऑन स्क्रीन लोग के साथ मजा आ रहा है इतना ही ऑफ स्क्रीन क्योंकि फैसल ने मुझे बहुत स्ट्रेस दी हुई है कि जल्दी जाना है इसने तो हम आप जल्दी जल्दी करेंगे और मैं भी जल्दी जल्दी बोलूंगा और आप भी जल्दी 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 करने से जल्दी जल्दी टाइम तो नहीं खत्म होगा रहा टाइम तो उतना ही चाहिए कोई बात नहीं हम पे कमर्शियल्स चला देंगे अच्छा ठीक हाँ ये सेगमेंट है हमारा इट्स कॉल्ड पीटीवी गोल्ड खुशी का है ये पल सजी है कहकशां यूजली हम इसमें पी टी वी के पुराने गाने दिखाते हैं मगर चूंकि आज सच बिग सेलिब्रिटीज आर विद अस एंड दे हैव रिसेंटली परफॉर्म्ड अ वेरी नाइस एंड मेलोडियस सॉन्ग तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी वो हमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस उस पर दिखाइए अच्छा जी ठीक है अगर इजाजत है जी बिल्कुल परफॉर्मेंस दिखाएं या गाना गाना है गाना गाना परफॉर्म करके तो हम यूं कर देंगे गाने के अंदर ही परफॉर्मेंस हो तो क्या बात है दोनों साथ ही हो जाए ना फिर था मेरी आँखों में
दिलों में भी तो एक रोक थी, वो मिलकर भी ना मिला जिसकी खोज थी। बस में जो खाई वो पूरी न की तूने, जो रंग ओढ़े थे वो जिए कभी ना हमने। ओ यार अब तूने बुला दिया रे, क्या किया था जो प्यार वाली यार अब तूने बुला दिया रे, क्या किया pleasing to the ears, yes. And plus such glamorous face ki inko dekhna ke itna maza aa raha tha mujhe. Iska naam highway song rakha unhone. Achha. Haan, unhone kaha nahi ye highway song. It's a song that you put on a drive to, groove to. Chale ji, we'll take our last break now. Ji. We'll be right back. Saji hai kehkashan sitaron ka jahan. Agar aapko option diya jaye singing aur acting mein, तो क्या आप सेलेक्ट करेंगे? अगर मुझे सिंगिंग बहुत अच्छी आ जाए अपनी अम्मी जैसी तो बिल्कुल सिंगिंग। अगर मैं ऐसी रही तो फिर एक्टिंग। अच्छा, वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेंड्स आपके, एजाज असलम। कमीना है। दोस्त है ना। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देख रहे हैं स्टार इन स्टाइल सीजन 2 और हमारे बहुत ही प्यारे स्टार्स जिनके साथ हम गपशप लगा रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड स्टार्स। चले जी, तो ये लास्ट सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड हॉट सीट। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। सो वी विल आस्क यू 10 क्वेश्चंस ईच। जवाबात मजे के होंगे एंड फुल ऑफ स्पाइस होंगे। उनको ये हमारा बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। जी जी तो जी। और उसके अलावा मुसर्रत मिसबा जो कि हमारे ऑफिशियल मेकअप पार्टनर हैं, उनकी तरफ से आपको ये मेकअप का ये मिलेगा। आई लव हर फाउंडेशन। हां, आई लव इट, इज ग्रेट, इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। आउटडोर में मुसर्रत मिसबा इज योर फ्रेंड। अच्छा जी, फरियाल, कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनके बगैर आप बाहर नहीं निकलती? माय वैसलीन, माय फोन, माय कीज, अ मास्क, सैनिटाइजर। आप फैसल कुरैशी के अलावा किस हीरो के साथ काम करना चाहती हैं? फहद मुस्तफा। लव एट फर्स्ट साइट पर कितना बिलीव करती हैं? नॉट रियली, नो। अच्छा, आई डोंट। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले किसको कॉल करती हैं? अपनी अम्मी को। कोई ऐसी बात जिस पर आपको बहुत गुस्सा आता हो? झूठ पे। योर फेवरेट कोस्टार जिनके साथ रिसेंटली आपने काम किया हो? अच्छा ये बताइए कि क्या दो हीरोइंस फ्रेंड हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए सिंगिंग और एक्टिंग में,
तो क्या आप सिलेक्ट करेंगी? अगर मुझे सिंगिंग बहुत अच्छी आ जाए अपनी अम्मी जैसी तो बिल्कुल सिंगिंग, अगर मैं ऐसी रही तो फिर एक्टिंग। Are you scared of anything? Cockroaches. आपको लगता है कि जब आप स्लिम हुई हैं उसके बाद आपको काम ज्यादा मिलना शुरू हुआ है? काम मुझे उतना ही मिल रहा था। I am getting the work I wanted to get now. Okay. Lovely answers. Thank you. जी. And now your turn. Okay. Are you ready? Yeah. आपकी नजर में ज्यादा मुश्किल क्या है? Acting, singing या मॉर्निंग शो होस्टिंग? सिंगिंग। अच्छा, ऑन स्क्रीन आजकल की जो नई एक्ट्रेसेस हैं बिसाइड्स फरियाद, किसके साथ ऑन पेयर काम करना चाहिए? हानिया कर लेते हैं। अच्छा, वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेंड्स आपके। हुमायूं सईद। शर्मिला है। एजाज असलम। कमीना है। दोस्त है ना। अदनान सिद्दीकी। अदनान दोस्त नहीं है, कुलीग है। बशर मोमिन का जो कैरेक्टर था, अगर उसी कैरेक्टर को कोई औरत करती तो आपके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त कौन सी एक्ट्रेस है जो? मेरे ख्याल से मारिया बहुत अच्छा करती है। आजकल आपका फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग? अभी तो मुझे वो मेरा ग्रूव लड़ गया। अपनी फिटनेस रिजीम अगर 3 वर्ड्स में बतानी हो तो क्या बताएंगे? नींद बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है, अच्छा खाना बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज। डू यू मेक इट अ पॉइंट आप दोनों के खूब पानी पिए दिन में? मैं तो भूल ही जाती हूँ पानी पीना। मैं तो बहुत पानी पीता हूँ। रियली? कोई ऐसा कैरेक्टर या ड्रामा जो आपको लगता हो आपने इतना अच्छा नहीं किया जितना आप कर सकते? ऐसे बहुत सारे हैं, किचन के लिए बहुत सारा काम किया है, कितने सारे ड्रामे हैं भाई, क्या मैं क्या क्या नाम दिलाऊं? मेरी अधूरी अधूरी औरत एक मैंने किया था, अब सोचें अधूरी औरत मैंने कर लिया। पाकिस्तानी आपके हिसाब से कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसमें बड़ा मसाला है? महविश में है अनडाउटेडली, इसमें है बहुत मसाला है। ठीक है, क्वेश्चन ये है 50 करोड़ में हीरोइन कौन होंगी अगर फिल्म बनती है? So, obviously यही चारों। क्या मतलब ये चारों? मैं चार से चूज करनी है, वो बता चुकी है वो कौन हीरोइन है। ensemble cast की तरफ जा रहे हैं तो फिर उसमें ना कोई हीरो होता है ना कोई हीरोइन होती है, उसमें फिर सारे कैरेक्टर्स होते हैं। What a fabulous answers, बहुत अच्छा। चले जी, तो will you do the honors? Am I deciding? Yes. No. अच्छा चल। मना हमेशा तो he doesn't even consult me. That's a lot of stuff. जी, तो आज की जो हॉट सीट के विनर हैं वो हैं फैसल कुरैशी। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे हैं और वो घर जा के जी बस मेरी आयत खुश हो जाएगी। हाँ हाँ, she'll be very happy. And we understand how hard so glad I didn't get this because मैं फिर बहुत परेशान हो जाती इसको देख के। That's what we decided ना। और मुसर्रत मिसबा की तरफ से पहले तो obviously thank you, हालांकि तुम्हें देना चाहिए Silk Foundation या दोनों के आपके। thank you so much, I love it. चलो मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे, बीवी भी ये अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया स्टार एंड स्टाइल का सीजन 2 का प्रीमियर एपिसोड आप लोगों के साथ। एंड जाने से पहले योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन दिस शो। ही नहीं है ना, आप कहीं चैनल में बैठ के कोई इंटरव्यू दे रहे हैं। आसिम से नॉर्मली भी बैठ के बातें होती हैं तो इसी तरह से होती हैं, शमीम भी ऐसी बातें करती है, सो इट्स ओके, अच्छा है, मजा है, अच्छा है, कुछ बातें रह गई हैं हमारी। उसके लिए आप प्रॉमिस करें कि आप अगली दफा आएंगे। मैं आ जाऊंगा कोई सीजन 3 में, और उस दिन कोई कमिटमेंट नहीं होगी आपकी। चलें, ये बहुत मुश्किल है, सर जल्दी से टाइम निकालना है। एंड योर थॉट्स? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, इट वाज सो मच फन and it's an honor to be on this show. I keep seeing people like Bushra Ansari and all these people and I'm like Shehnaaz Sheikh, you know everyone, so it's really an honor for bas me. Rona thank you nahi so much. Rona nahi. And you know what's fun for us when we have guests who have such amazing energy and you both do bahut achhi energy aap. Aur ek aur achhi baat ye hoti hai show ki ke jo mere favorite stars hote hain I get to speak to them, उनसे बातें हो रही होती हैं, जो बातें मैं वैसे नहीं पूछ सकता मैं ऑन स्क्रीन पूछ लेता हूँ। जो ऑन स्क्रीन नहीं पूछ पा रहे थे ऑफ स्क्रीन वो हमने आते ही पूछ लिया। चलिए जी, थैंक यू सो मच, और इसके साथ ही अब हम इजाजत लेंगे आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा हाजिर होंगे नए सेलिब्रिटीज के साथ। सो देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 2 ओनली ऑन PTV Home.